ये जो अधकच्चा अपरिपक्व फैसला लिया है नोटबंदी करने का, तो मैं समझती हूँ कि इससे पूरे देश की जो जनता है तो वो त्राही त्राही कर रही है। पूरे देश में ऐसा माहौल पैदा हो गया जैसे आर्थिक इमरजेंसी लग गई हो, अफरा तफरी का माहौल है। और खास तौर से पूरे देश में 90% जो गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो अपनी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और 20 दिन इस सरकार का इस फैसले को हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। अभी भी एटीएम और बैंकों के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, और पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है इस सरकार के जो बिना तैयारी का जो फैसला लिया कि जैसे भारत बंद हो गया हो। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विरोधियों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने भारत बंद कर दिया है या हम भारत बंद के समर्थन में हैं। तो भारत बंद तो बीजेपी की सरकार ने खुद ही कर दिया है, सेंटर ने खुद ही कर दिया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत बंद तो खुद ही कर दिया है, इसके लिए हमारी पार्टी जिम्मेवार नहीं है। लेकिन जहाँ तक इनके इस गलत फैसले का जो इसका जो तरीका है इन्होंने, क्योंकि मैंने बार बार इस बात को कहा है कि हमारी पार्टी कोई काले धन के पक्षधर नहीं है, भ्रष्टाचार के पक्षधर नहीं है, उसके खिलाफ है। लेकिन केंद्र की सरकार का जो तरीका है, जो काम करने का तरीका है, करप्शन के ऊपर अंकुश लगाने का जो तरीका है, और जो इन्होंने नोटबंदी का जो डिसीजन लिया है, मैं समझती हूँ जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के ये ठीक नहीं है, जिससे जनता बड़ी दुखी है। और इसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है, उसमें कोई फूट नहीं है, और पूरा विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहा है, और बार बार ये कह रहा है पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदन में ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी को बैठ में बैठना चाहिए और सबकी बात सुनने के बाद उनको अपना जवाब देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में थोड़ी देर के लिए जरूर बैठे, लेकिन लंच के बाद फिर वो नहीं आए, उनको मालूम है कि जवाब देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? बाहर तो वो बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर रहे हैं करप्शन को लेकर, काले धन को लेकर, कल उन्होंने कुशीनगर में भी बहुत कुछ बोला है। तो लेकिन जो इससे जो जनता त्राही त्राही कर रही है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। बाहर भी वो अपने फैसले को सही ठहराने के लिए बढ़िया बढ़िया जुमलेबाजी जरूर कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि इसके ऊपर वो जवाब दे सकें। तो इसलिए इस मुद्दे को सारे विपक्ष ने गंभीरता से लेते हुए ये फैसला लिया था पूरे विपक्ष ने कि इसका विरोध हमें जनहित में, देश हित में, जनहित में, तो पूरे विपक्ष ने फैसला लिया था कि अपने अपने तरीके से सबको विरोध करना होगा। तो अब इसको ध्यान में रखकर तो आज जो पूरे देश के अंदर कुछ विरोधी पार्टियों ने भारत बंद करने का डिसीजन लिया, कुछ विरोधी पार्टियों ने आक्रोश दिवस मनाने का फैसला लिया है, लेकिन हमारी जो पार्टी है तो ये जो आक्रोश दिवस या भारत बंद दिवस के साथ जो आज जो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं ये जो विपक्ष के जो लोग हैं, तो इसमें तो हमारी पार्टी शामिल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी केंद्र सरकार ने जो जल्दबाजी में नोटबंदी का फैसला लिया है जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है उस फैसले के साथ है, हमारी पार्टी उस फैसले के खिलाफ है। तो इसलिए जो विपक्ष ने एक रणनीति बनी थी तय हुआ था कि सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से वो इस फैसले के खिलाफ एजिटेशन करेंगी। हमारा एक अपना तरीका है, जो लेफ्ट पार्टियों का अपना तरीका है, और पार्टियों का अपना तरीका है, हमारी पार्टी का अपना तरीका है। हमारी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, पार्लियामेंट के बाहर भी उठा रही है, प्रेस नोट के जरिए भी उठा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भी उठा रही है, बीच बीच में आप लोगों के बीच में आकर भी अपनी प्रतिक्रिया देती है। तो हमारा एक अपना तरीका है, हमारी पार्टी का एक अपना तरीका है। तो इसलिए
ये जो मीडिया में आज दिखाया जा रहा है कि जो बीएसपी है तो जो आज विपक्ष जो अपने जो आज इसको लेकर विरोध कर रहा है कोई आक्रोश दिवस के रूप में कोई भारत बंद के रूप में तो बीएसपी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारी पार्टी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ कि हमारी पार्टी केंद्र सरकार ने जो बिना तैयारी के नोटबंदी का फैसला लिया है तो इसके समर्थन में इसके खिलाफ है। और केंद्र की सरकार को ये कहना चाहती है कि अपनी तानाशाही और हठधर्मी को उनको छोड़ना चाहिए, अड़ियल रवैये को छोड़ना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी की ये जिम्मेवारी बनती है कि जनहित में इन्होंने जो जल्दबाजी में ये फैसला लिया उसमें जो कमियां रह गई हैं तो उनको दूर करना चाहिए और इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि केंद्र की सरकार ने ये फैसला पिछले ये जो फैसला जो इस महीने उन्होंने 8 नवंबर को लिया है तो अब ये बोलते 50 दिन का समय ये लोग मांग रहे हैं तो 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री जी को ये कहना कि ये 8 नवंबर को फैसला लेने से पहले तो 10 महीने का भी इनको हिसाब किताब देश की।